नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटी पैदा होती है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। आप सभी को जुमा मुबारक हो, अपनी दुआओं में हमें याद रखना। और आज थोड़ा लेट ही जा रहा हूँ ऑफिस को, क्योंकि ज्यादा काम नहीं है, एक छोटा सा काम है वही करना है। तो फ्रेश फ्रेश हो गया हूँ, अभी चाय नाश्ता करते हैं फिर जाऊंगा, और आने के टाइम मैं नमाज पढ़ के ही आऊंगा साथ घर पे, और बाकी का जो है वो फरा कंटिन्यू करेंगे। अभी मेरा पूरा काम हो गया है और लाइट चली गई है। अभी जस्ट समीर भी ऑफिस से आए, नमाज को भी गए थे वो, नमाज वगैरह सब हो गई और मेरी भी हो गई। अभी अम्मी अब्बा आएंगे, उनका वेट कर रही हूँ मैं, सुबह से उनका वेट कर रही हूँ। उन्होंने बोले थे कि जल्दी आएंगे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि उन लोग को भी नमाज वगैरह पढ़नी थी और बाज़ार भी लाना था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो घर में अवेलेबल नहीं थी। तो फिर अम्मी बोले कि ठीक है मैं आते वक्त लेकर आती हूँ वो सब। और आज हमने दावत रखे है, जो कि शादी में मैं गई थी, आप लोग ने देखे थे, वो जो रेड वाली साड़ी पहनी थी वो मेरे भाई की शादी थी, फूफू का लड़का था। तो अभी उन लोग को हमने दावत दिए है घर पे। हमारे यहाँ पे कैसा है ना, शादी के बाद ऐसे जोड़ी से बुलाते हैं और उनको दावत देते हैं। तो अम्मी ने सोचे थे कि बाड़े में ही देंगे, लेकिन कैसा है ना, वहाँ पे रूम बहुत छोटे गिरते हैं। तो फिर हमने सोचे कि अभी यहाँ पे तो हम रहते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, गैस है, सब है, तेल है, तो हम यहीं पे दावत करते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिलता है, आराम से होता है, सबको बैठने करने आता है, इसके लिए अभी यहाँ पे हम दावत रखे हैं। अभी देखेंगे, उन लोग को तो हमने डिनर पे इनवाइट किया है और अभी अम्मी आएंगे, फिर हम लोग शाम में तैयारी शुरू कर देंगे हमारी। और अभी मैंने बनाई हूँ छड़ी दाल रोटी, समीर अब्बा अम्मी मैं वही खाएंगे। और शाम में हम बनाने वाले हैं चिकन का कोरमा और नान लाए हैं, मतलब लाने वाले अम्मी नान और चावल, मुझे तो बहुत पसंद है। तो अभी हमारे यहाँ पे दोपहर के लंच की तैयारी चली है। फरा मेरे लिए रोटी डाल रहे हैं, रोटी और छड़ी दाल उन्होंने बनाया है, तो रोटी में वो गरम गरम ही डाल के देते हैं, तो ये अभी बना रहे हैं। जब तक फरा किचन में काम करते हैं ना, मुझे हॉल में अच्छा ही नहीं लगता। अभी मैं देखो कब से मैं इधर ही घूम रहा हूँ, अभी मैं टेरिस पे भी जाके आया, हॉल में भी जाके आया, लेकिन मुझे वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर घूम फिर आके मैं फरा के पास ही आया। हो गई क्या नहीं रोटी आपकी? मैडम जल्दी जल्दी बनाओ रोटी, बहुत भूख लगी है आज। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया था नमाज पढ़ के, एक टाइम पे जमा डाल के रख रही, फिर तुम रोटी उसमें से डब्बे में से लेके खा। वो भी सही है। और क्या हो गया था, नमाज पढ़ के मैं सीधा बैंक को चला गया था, मेरा एक काम भी था, बहुत दिन से पेंडिंग हो रहा था, तो मुझे लगा कि आज मुझे टाइम है और मैं जल्दी भी आया था। सैटरडे संडे तो ऐसे बैंक हॉलीडे रहता है तो उसमें मुझे नहीं मिलता, तो वो भी मैं काम कर गया, तो मेरे को थोड़ा लेट भी हुआ आने के लिए, 3 बजे मेरे को घर पे आने के लिए। तो सच में बहुत भूख लगी। अपने खाना भी ना खाया, गोली वाला सब लिया ना ठीक से? हाँ। गोली वो लिया ना ठीक से आपने? गोली लेनी अभी तक नहीं लिया ना आपने? ऐसे होता है, मैं जो ऑफिस को जाता हूँ ना, कभी 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 मुझे भी टाइम नहीं मिलता है तो मैं इनको कॉल नहीं कर पाता हूँ, तो ये ऐसे भूल जाते हैं। वरना मैं हमेशा जब भी मेरे को ब्रेक मिलता है तो मैं कॉल करके इनको पहले पूछता हूँ कि आपने गोली वगैरह लिया है नहीं। देखिए आज नहीं पूछा तो मैडम ने गोली मिस कर दिया। अभी सीधे से जल्दी से खाना खाओ और गोली ले लो। हाँ, तो ये हमारे कोरमे की तैयारी शुरू हो गई है। ये टमाटो प्यूरी है और ये काजू है और कोई तो बीन्स है पता नहीं, और ये प्याज है, इसको पूरा हमने पीस लिया है। और अभी ये आलू को फ्राई कर रहे हैं। तो आज का कोरमा अम्मी बना रहे हैं, तो बहुत दिनों के बाद कोरमा खाने को मिलने वाला है ना। बहुत दिन के बाद बन रहा है। अम्मी कब बनाए थे हमने लास्ट टाइम, याद भी नहीं मुझे तो। क्या पता। तो बहुत अच्छा लगता है, और कोरमे के साथ में नान और चावल लाइन लाइन मस्त लगेगा। तो इतना बना रहे अभी। तो ये अम्मी ने कोरमा बघार दिया, अब इसमें आलू डालना बाकी है। और इधर थोड़ा उजाला कम था, इसके लिए हम लोग ने ये जुगाड़ कर दिए ताकि यहाँ पे रोशनी आए, क्योंकि ये जो लाइट है ना, ये बॉक्स की वजह से यहाँ की जो लाइट है उसकी रोशनी ज़्यादा नहीं आ रही है, तो हमको यहाँ पे लगानी है। अभी कल वो करेंगे इंशाल्लाह। अभी बर्तन बहुत सारे हैं, ये सब बर्तन धो लेती हूँ मैं, और इतना बनाने के बाद फिर मैं चावल बनाती हूँ। मीठे में हम बना रहे हैं ब्रेड का हलवा, उसको क्या बोलते हैं, शाही टुकड़ा, वो बनाएंगे।
ये देखो फरा ने किचन में क्या जुगाड़ किया है। मैंने भी यही बोली कि हमने ये जुगाड़ किए। हाँ क्या, उनके जो लाइट है हमारी वो उधर गई ना, तो पूरा पता ही मैंने इसके वजह से नहीं। हाँ ना, मेरा कुछ फायदा नहीं। मैं अभी जस्ट आया हूँ, नमाज गया था, फिर उसके बाद मैं नीचे ही थोड़ी देर तक बैठ गया, अभी जस्ट आया हूँ। मुझे अच्छा लगा है, पूरा उजाला अच्छा भी लग रहा है। तो मेहमान वगैरह सब अभी चले गए हैं। ये गालीचे हमने बिछाए थे उनके खाने के लिए, कहाँ पे था इतने दिन से पता नहीं, आज आ गया बाहर। कितना अच्छा भी लग रहा है। ये देखो हमारा मैडम कैसे हैं, गैलरी में बैठे हैं, क्योंकि वो अभी अम्मी अब्बा और फूफू वो सब नीचे उतरने वाले ना, तो उनको बाय करने गए। क्यों गए? गए भी, अरे वो गए भी बोलते हो। झाड़ को टच नहीं कर रही अभी? नहीं नहीं, रात में ये मत करो, ये भी खेल रहा। और बड़ा भी होगा ये? हाँ, जैसे बड़ा होंगे ना ज्यादा कली होंगे और खुशबू और ज्यादा होंगी। कड़ी पत्ता भी हो रहा है। फरा क्या कर रहा है, कुछ भी खाना बना रहे ना अभी, तो इसमें का एक कड़ी पत्ता लेके जा रहे हैं, मेरे को दिखा रहे हैं। मेरे सामने शाइनिंग मार रहे हो, कड़ी पत्ता लेके जा रहे। ये अच्छी बात है, ये लाए उन्होंने मेरे को कड़ी पत्ता के लिए। इसके लिए उन्होंने मेरे को नीचे भेजा करते थे कि समीर कड़ी पत्ता नहीं है घर में, जाओ ना लेके आओ। अच्छा हो गया झाड़ी लिया हमने, कड़ी पत्ता खराब हो जाता था, काला गिरता। लेकिन भाभी ने सच्ची में बहुत काम करे आज, बहुत अच्छे। अभी ज्यादा तो घुलना मिलना हुआ ही नहीं ना, आज ही अभी ज्यादा मिले। बोला है अपने कौन आए थे? हाँ। अच्छा, फुप्पू भाई, आहत भाई, भाभी सब लोग आए थे। अच्छा लगा, खाना भी ना खाया, आइसक्रीम खाया आपने, अच्छा था। मैंने तो चॉकलेट की खाई, ब्लैक फॉरेस्ट। वो भी लाए ले? वो भी लाए ले, लेकिन भाभी ने पहले सबको वैनिला दिया, बोले ये पहले खत्म करेंगे। अच्छा, वो रहने दो बोले तो। ये देखो ये ऐसा ही रखेला मैंने, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था उसको ऐसे ही रहने दो, वापस उठ जाएगा। अगर इसको भी हमने वापस से लगाए ना, तो मुझे लग रहा है लगेगा। और इसकी मिट्टी थोड़ी मेरे को चेंज करनी ऐसे लग रही है, ये देखो ना इन दोनों की, इसके ये जहाँ से लाए ना उसके पास से थोड़ी मिट्टी लाना पड़ेगा अपने को। ये वाली मिट्टी आप उन्हें पैसे से लिए थे वो है, उल्टा वो वाली खेत की है। अच्छा, ये वाली इसे अच्छी हो। अच्छा लगता है ना शाम के टाइम ऐसे गैलरी में बैठने और सामने एकदम देखने, ठंडी 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 हवा आती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इनको अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अभी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पहले तो इतनी ठंडी है और ठंडी में ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं करूँ की आपको? हाँ, ऐसे ऐसे करूंगा फिर पता तो चलेगा। मेरे तो सॉफ्ट सॉफ्ट है, आपके कितने रफ रफ नहीं है फरा, कितने मुलायम है, कितने सॉफ्ट है मेरे। नहीं क्यों दबा रहे हो? हाँ तो कितनी छुपती, तो फिर इतना अच्छा दिखता मैं दाढ़ी। बेबी हाँ, आपको क्या मांगता, लड़की या लड़का? बेबी देखो फरा, मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे यही मांगता है, और ज़्यादातर मुझे जो मेरी ख्वाहिश है वो है ना, अगर लड़की होंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं तो कुछ नहीं है। खुद अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मुझे बेटी ही हो, और नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटी पैदा होती है, तो अल्लाह से दुआ है कि हमें भी पहली बेटी ही हो। लेकिन वो तो अल्लाह की मर्जी है। हाँ, कुछ भी हो हमें कबूल है। आप लोग भी हमें कमेंट करके बताओ कि हम को क्या होगा फर्स्ट, देखते हैं कितने लोग क्या कमेंट करते हैं। सजेशन है बस, बाद में जो है वो अल्लाह की मर्जी, या तो लड़का होने वाला या तो लड़की, 50-50 चांस है हर कुछ तो होगा। बट हम तो दोनों में भी खुश है, बहुत बहुत खुश है। लेकिन ट्विंस में होंगे? ट्विंस तो कब का पता चला है कि ट्विंस होने वाले नहीं है, वो तो किसी ने हमें पूछा था तो हमने बताया, और जैसा ही हमारा ब्लॉग आया तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि हमें भी ट्विंस था, हमें भी ट्विंस था करके, तो मुझे अच्छा भी लगा कि इतने लोगों को ट्विंस होता है ना, अच्छा लगा मेरे को भी। चलो फरा अभी उठ जाओ यहाँ से, मुझे तो एक बेटी ही चाहिए जो फरा के जैसी हो, बिल्कुल फरा के जैसी नटखट, बच्चों वाली हरकतें करने वाली है ना। सिर्फ खाना बनाते हो, बाकी सब तो अभी मैं ही कर रहा हूँ। तो चुप अभी, मेरे को ऐसा है करके। और कितने लोग आपको बोल रहे हैं कि फरा दीदी आप कितने नसीब वाले हो कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, केयरिंग हस्बैंड मिले हैं, बहुत केयर करते हैं, इसीलिए इसीलिए रोया मत करो। कल अम्मी को याद करके आप बहुत रो रहे थे ना, तो बहुत लोगों ने बोला कि मत रोया करो क्योंकि आपके पास इतने अच्छे हस्बैंड है। मेरे साथ में झगड़ा किया था, इसके लिए रो रही। हाँ झूठ।
खाना वीना बहुत अच्छा हो गया आज, मेहमान भी आए थे, खाना बहुत अच्छा बना था। तो वो सभी लोग, अम्मी, अब्बा, फरा भाई सभी हॉल में बैठे हैं बातें करते हैं, मैं भी वहीं पे बैठा था। तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो एडिट भी करना है, फिर टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फरा के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, और कमेंट में ज़रूर बताना कि हमें क्या होगा, बेबी गर्ल या बेबी बॉय।